सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। और हम पिछले 3 दिन से बाबा साहब ने जो पूजा बुक लिखी है और जिस पूजा बुक को लिखते वक्त मतलब पाली साहित्य से जिसका उन्होंने संपादन किया है उसमें जिसको धम्मपालन गाथा नाम दिया है जिनमें धम्मपदी ग्रंथ से 3 गाथाओं को शामिल किया है उसमें से हम 1 गाथा देख चुके हैं, 2 गाथा का हमारा देखना चालू है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में, जैसा कि मैंने जो अनुक्रमांक 183 गाथा है जो बुद्धों का शासन है, वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो चेतना है उस चेतना का विकास उस गाथा में सम्मिलित है। एक सीधा साधा इंसान किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इंसान की क्षमता को किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, वह बहुत ही सुंदर तरीके से उन बुद्ध के शासन में हमें देखने को मिलता है और वो एक प्रकार का हमारा आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। तो इस तरह से हमने पहली गाथा को देखा, शील समाधि प्रज्ञा के तौर पर जो बुद्धों का शासन है। दूसरी गाथा जो है जो अनुक्रमांक 169 पर है और 169 पर लोक वग्ग में से है। पहली गाथा जो है वो बुद्ध वग्ग में से है, दूसरी गाथा जो है वह लोक वग्ग में से है। और इस गाथा को हम देखते वक्त धम्म क्या है, बाबा साहब के शब्दों में सद्धम्म क्या है, और सद्धम्म का मतलब मैंने सुचरितं कहा और धम्म का मतलब मैंने जो बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म में धम्म लिखा है जिसके तहत उन्होंने कहा कि जीवन की पवित्रता, जीवन की पूर्णता, प्रज्ञा प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, इन सब बातों को लेकर बाबा साहब ने कहा। अनित्य कर्म, इस बात को बाबा साहब ने धर्म कहा, तो उनका आचरण, और सद्धम्म के तौर पर प्रज्ञा का विकास, मैत्री का आचरण, इस बात को बाबा साहब, और सबसे अंतिम जोर उन्होंने दिया कि इंसान और इंसान के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए व्यवहार करना, ये सद्धर्म का आचरण है, ये सुचरितं है, ये अच्छा आचरण है। सो इस तरह से हमने धम्मं चरे सुचरितं और जो बातें बताई वो भी आपके सामने फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो 3 ही गाथाएं हैं लेकिन 3 गाथाओं के माध्यम से बाबा साहब हमें किस तरह का संदेश दे रहे हैं, जो हम पूजा के अंत में हमेशा कहते हैं, कार्यक्रम के अंत में कहते हैं, किस तरह से हमें कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी हमें एक प्रकार का स्मरण करा रहे हैं कि कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, बची हुई जिंदगी इसी बात के लिए आपको व्यतीत करनी है, उसका स्मरण रखिए। सो धम्म पालन गाथा से हम उन बात को स्मरण करते हैं। सो एनीवे, तो कल हम 2 गाथाओं का जानकारी लेते वक्त हमने देखा धम्मचारी धम्मं चरे सुचरितं,
नतम दुचरितम चरे। और फिर हम देख रहे थे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। सो धम्मचारी का मतलब है धम्म का आचरण करने वाला, और जो धम्म का आचरण करता है वह सुख से सोता है, सुखं सेति सुख से सोता है। और अस्मि लोके परम, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो इस बात को देख लेते हैं कि धम्मचारी क्या होता है। जिसने गले में केसा डाला वही धम्मचारी है, ऐसा मत समझी। क्योंकि इस शब्द को अभी प्रकट हुआ है और इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से ये धम्मचारी शब्द ज्यादा प्रकट हुआ है। जब तक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नहीं था तब तक हम इस शब्द से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म पालन गाथा लिखी है उसमें से केवल हम एक ही गाथा का पठन करते थे। सो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो देन है उस तरह हम इन तीनों गाथाओं का पठन करते हैं, और तब से धम्मचारी शब्द भी हमें अच्छी तरह से याद हो गया। और धम्मचारी शब्द और भी प्रसिद्ध हो गया वह इस कारण कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में धम्मचारी यह संघ का सदस्य है और उसे धम्मचारी कहा जाता है। तो धम्मचारी बनने के लिए हम सब उत्सुक होते हैं, और गले में केसा पड़ने के बाद उसको धम्मचारी कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो धम्मचारी है ये अभी त्रियत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से वो सदस्यता के तौर पर और धम्म पालन गाथा का पठन करने के तौर पर ये शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो इसको आप ऐसा न समझे कि केवल नागी मित्र, मुझे लगता है मेरा यदि स्क्रीन शेयर होता है तो अच्छा होगा। एक तो आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, या तो आप वीडियो आप कर रहे हैं तो आपका केवल फोटो आ रहा है। तो जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको कहिए कि वो मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए कहे। एनीवे थैंक यू, ओके ओके वेलकम। हाँ, सो तो यह जो धम्मचारी है, धम्मचारी शब्द तो बुद्ध ने दिया है, बुद्ध की यह व्याख्या है कि जो धम्म का आचरण करता है वह धम्मचारी है। और धम्म यह शब्द बुद्ध धम्म में कई अर्थों से आता है। धम्म इस शब्द का एक स्पेसिफिक ऐसा ही अर्थ नहीं है। जातक ग्रंथ यदि आप खोलकर देखेंगे और जातक ग्रंथ को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वहां तो ऐसा लिखा है कि हर दिन मैं सुबह सबसे पहले जागती हूं या जागता हूं, इस धर्म का मैं पालन करता हूं। तो सबसे पहले जागने का ये भी धर्म है। कोई स्त्री ये कहती है कि मैं अपने पति के पहले कभी नहीं खाना खाती, तो पति के पहले न खाना ये उसका धर्म है, वो उस धर्म का पालन करती है। तो धर्म का मतलब एक आचरण की पद्धति ये हो गई। धर्म का मतलब सद्गुण भी होता है। बाबा साहब ने कहा बुद्ध एंड इस धम्म में मैत्रीय धर्म है, तो मैत्री धर्म हो गया। नीतीय धर्म है, नीति धर्म हो गया। तो इस तरह से धर्म के कई अर्थ है। पाली ग्रंथों में देखोगे तो
प्रतित्य समुत्पाद इसको धम्म कहा, अष्टांग मार्ग को धम्म कहा। सो तत्व के तौर पर धर्म आया है, सद्गुण के तौर पर धर्म आया है, एक आचरण के पद्धति के तौर पर धर्म आया है, एक जैसा बुद्ध का शासन है वो भी धर्म है, उस शासन के तहत जीवन जीना ये भी धर्म है, बुद्ध के शिक्षा को भी धर्म कहा जाता है। सो धम्म की कई व्याख्याएं हैं, धम्म के कई प्रतिशब्द हैं, लेकिन यहां धम्मचारी का मतलब यह है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उस बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति वह धम्मचारी। और बुद्ध की शिक्षा कौन सी है, जो हमने पहले गाथा में देखा, शील समाधि प्रज्ञा, ये बुद्ध का शासन है, ये बुद्ध की शिक्षाएं है। सो उन शिक्षाओं के तहत आचरण करने वाला जो व्यक्ति है वह धम्म है, और उस धम्म के तहत आचरण करने वाला व्यक्ति धम्मचारी है। केवल गले में कैसा है इसलिए वह धम्मचारी नहीं है। इसकी भी बड़ी एक रोचक कहानी है कि पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने धम्मचारी ये शब्द, मुझे लगता है शायद 81 या 82 में इस शब्द का उच्चारण शुरू हुआ, लेकिन पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने 1968 में संघ की स्थापना की इंग्लैंड में, तो उसके बाद से संघ सदस्य को उपासक नाम से ही जाना जाता था। फिर उपासक कहीं पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने अलग नाम देने की कोशिश की, फिर उनको उचित नहीं लगा, फिर बदलने की कोशिश की, फिर कहीं महा उपासक इस तरह, फिर आते 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 यहां तक बात आ गई कि नहीं, उपासक तो जो ये दशशील उपासक है जो उस वक्त पूज्य उर्गेन संघरक्षित करते थे, जिन्होंने कमिटमेंट किया है, प्रतिज्ञाबद्धता की है, तो वो ना तो भिक्कू है और ना सर्वसाधारण उपासक है, जिनको बौद्ध धर्म के परंपरा में उपासक कहा जाता है, ना वो पंचशील धारण करने वाले उपासक है। इन्होंने तो प्रतिज्ञा करके इन दस शीलों को लिया है, तो ये ना सर्वसाधारण उपासक है ना गृहस्थ जीवन त्याग कर भिक्कू बने हुए हैं, तो इनका कुछ अलग नाम होना चाहिए। यह फिर जब सोच बढ़ी, विशेष तौर पर जब भारत में संघ की स्थापना हुई और भारत में संघ का कार्य बढ़ने लगा, और फिर भारत में भी शुरू में उपासक ही कहा जाता था, तो उसके तौर पर फिर पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने यहाँ के सदस्यों के साथ सलाह मशविरा करते हुए यह नाम दिया कि उपासक के जगह हम धम्मचारी इस शब्द का प्रयोग करें, जो धम्म पालन गाथा में इसका प्रयोग हुआ है। तो तब से ये नामाभिधान जो है संसार में जहां भी त्रियत्न बौद्ध महासंघ के सदस्य हैं उन सारे सदस्यों को धम्मचारी और धम्मचारिणी कहा जाता है। लेकिन पाली साहित्य में बुद्ध के मुख से यह शब्द पहली बार राजा शुद्धोदन के सामने उपस्थित हुआ। राजा शुद्धोदन को जब उन्होंने देशना दी तब उन्होंने कहा, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। सो उस वक्त पहली बार पाली साहित्य में धम्मचारी ये शब्द शामिल हुआ। तो यह धम्मचारी शब्द मतलब धम्म का आचरण करने वाला, बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन चलाने वाला, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में आचरण करने वाला वह धम्मचारी। और जब कोई भी बुद्ध के शिक्षा के अनुसार धम्म का आचरण करेगा तो वह सुख से सोता है।
और कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि सुख पूर्वक सोना यह बहुत बड़ी बात है, और मैंने इसका भी जिक्र किया था, फिर उसको रिपीट करना चाहता हूं कि सर्वसाधारण इंसान जो है, आप शांति से बैठकर सोचिए कि आप जो कुछ भी कृति करते हैं वह किसके लिए कृति करता है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, यह करने से मुझे सुख मिलेगा। पढ़ाई करने से सुख मिलेगा, भले ही वो अजानता हो, लेकिन वो ये चाहता है कि वो दुष्कृत्य भी करता है, फिर भी उसको लगता है कि यह करने से मुझे सुख मिलेगा। यज्ञों में बड़ी बलि चढ़ाता है, प्राणियों की हत्या करता है, काहे के लिए करता है कि मैं ईश्वर की पूजा करने से, इस देवताओं को संतुष्ट करने से मुझे सुख मिलेगा। अंतिमतः धर्म के नाम पर जो भी दुष्कृत्य होते होंगे, जो भी मारकाट होती होगी, जो भी धर्म के नाम कर इतने हजारों सालों से युद्ध होते आए हैं, वो भी युद्ध होते होंगे, वो सब काहे के लिए होते हैं? वो सब इसलिए होते हैं कि ये सब करने से मुझे सुख मिलेगा। बड़ा रोचक बात है जो इतिहास में वर्णित है कि जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज में हिंदवी स्वराज्य का स्थापना की, और औरंगजेब को जब पता चला कि उसका अभिषेक हुआ और शिवाजी ने स्वयं को राज्याभिषेक किया, और उसने कहा कि मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करता हूं, तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब फूट फूट कर रोया कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे जीते जी ये क्या हो गया। तो वो सुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अल्लाह की इच्छा पूर्ति नहीं की। अल्लाह की इच्छा पूर्ति थी इस्लाम के राज्य में दूसरा कोई राज्य न हो, और उसके लिए औरंगजेब कार्यरत था, तो बहुत रोया क्योंकि उसको सुख प्राप्त नहीं। सो कहने का मतलब यह है कि अपने मानसिकता के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार, अपने कल्पनाओं के अनुसार, अपने समझ के अनुसार, इस संसार में जो भी व्यक्ति कार्यरत है वह सुख प्राप्ति के लिए है कि यह करने से मुझे सुख मिलेगा। सर्वसाधारण व्यक्ति शादी करता है काहे के लिए, सुखी होने के लिए। बच्चे पैदा करता है काहे के लिए, बुढ़ापे में सुख मिले इसलिए, बुढ़ापे में हमें सुख शांति मिले इसलिए। सारी बातें, सत्ता प्राप्त करता है, पैसा इकट्ठा करता है, ढेर सारी बातें करता है, सब कुछ करता है सुख प्राप्ति के लिए। अब उसको सुख प्राप्त होता है या नहीं होता है, जो व्यक्ति जाने वही बता सकता है कि भाई मैंने ये सुख प्राप्ति के लिए किया, लेकिन मुझे सुख मिला या नहीं मिला। तो आप सुनने वाले भी, आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप जो कुछ भी कृति करते हैं उसके पीछे का अंतिम उद्देश्य क्या है, कि आप सुख प्राप्ति के लिए करते हैं या नहीं करते। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो धम्म का आचरण करता है वह सुख से सोता है, जो धम्म का आचरण नहीं करता वह सुख से नहीं सोता। और बुद्ध के शिक्षा के अनुसार धम्म क्या है? आनंद को कहा कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है। मैत्री, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध एंड इस धम्म में, मैत्री धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैत्री से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है, मैत्री से बढ़कर कोई सद्गुण नहीं है। सो मैत्री ये धर्म है। और मैत्री करते वक्त मैंने कई अपने भाई बहनों से सुना है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत,
कि भाई इन कुछ व्यक्तियों को छोड़कर संसार के सभी लोगों पर मैं मैत्री कर सकता हूं, इन व्यक्तियों पर मैं मैत्री नहीं कर सकता, ऐसी मैत्री नहीं होती। मैत्री बिना अपवाद के की जाती है सभी सजीवों पर, जो हमारी पांचवी पायरी पांचवा चरण है, उसी को बुद्ध ने कहा यह मैत्री है, यह धम्म है। सो धम्म यानी मैत्री, मैत्री से यदि सभी का आचरण करते हैं तो आप धम्मचारी हैं। और मैत्री के फायदे बताते वक्त बुद्ध ने स्वयं फायदे बताए हैं कि जो भी मैत्री भावना करता है उसके उनके उन्होंने 11 फायदे बताए, जो विशुद्धि मग्ग में बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। उनमें से एक फायदा है कि जो मैत्री भावना करता है, जो मैत्री में युक्त होता है, वह सुख से सोता है, वह सुख से उठता है। सो सुख से सोने के लिए, सुखपूर्वक सोने के लिए और सुख से जागने के लिए आपको मैत्री में प्रतिष्ठित होने की जरूरत है, क्योंकि मैत्री ये धम्म है। सो इस तरह से आप धम्म को तरह तरह से देख सकते हैं, लेकिन मैत्री यह अंतिमता है। और सभी शीलों की जननी ही मैत्री है। पहला ही शील है पानाति पाता वेरमणि, बाबा साहब ने उसको 22 प्रतिज्ञा में उल्टा करके दिया है, विधायक करके दिया है, मैं सभी सजीवों पर मैत्री करूंगा, मैं सभी सजीवों पर लालन पालन करूंगा, उन पर दया करूंगा, सभी सजीवों पर दया करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। ये बाबा साहब ने पानातिपाता हिंसा की जगह इस तरह से किया, पानातिपाता वेरमणि नहीं कहा उन्होंने, मैं हिंसा नहीं करूंगा ऐसा सीधा सीधा अर्थ नहीं लिखा, मैं सभी सजीवों पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा, ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा। यह मैत्री का प्रदर्शन है। यह सुख से सोने के लिए जरूरी है कि हम मैत्रीपूर्ण रहे, हमारा मन मैत्री से युक्त रहे। इसलिए कर्णिमित्त सूत्र में कहा गया है, जो मैत्री का सूत्र है, जो शांत पद चाहता है, करणीय मत्थ कुशलेन यंतं सतं पदं अभिसमेच, सतं पदं अभिसमेच, जो शांति का पद चाहता है, शांति से सोना चाहता है, शांति से बैठना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, उसने मैत्री करना जरूरी। यह बुद्ध की शिक्षा है। जो सुख से सोना चाहता है उसने मैत्री में प्रतिष्ठित होना जरूरी। मैत्री ये संपूर्ण धर्म है, मैत्री ये धम्म का आचरण, मैत्री से ही सभी शील है। हम यदि मैत्री पूर्ण है तो किसी की वस्तु चोरी नहीं करेंगे, किसी पर किसी तरह से जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठ बोलकर अपमानित नहीं करेंगे, सब कुछ, क्योंकि हम मैत्री पूर्ण है। सो मैत्री से ही सारे शील है, मैत्री से बढ़कर कोई शील नहीं, सारे शील मैत्री से उत्पन्न हुए है। इसलिए मैत्री बुद्ध ने आनंद को बताते वक्त कहा संपूर्ण धर्म है, कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है। तो इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए, जब बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है, सो धम्मचारी का मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा मैत्री से ही पेश आऊंगा, मैत्री से ही आचरण करूंगा, मैत्री से ही कार्यरत रहूंगा। बुद्ध के से हर कोई व्यक्ति हर तरह से पेश आया, चिंता मानविका ने बदनामी करने की कोशिश की, लोगों ने गाली देने की कोशिश की, उनके ऊपर कई तरह की टीका टिप्पणियां हुई, कई तरह के आर्गुमेंट हुए, किन्हों ने उनको अपशब्दों में कहा, किन्हों ने उसको वृषल कहा, लेकिन बुद्ध हरेक के साथ अपने मैत्री से ही पेश आए। तरह तरह के उपाधियों से बुद्ध को उद्देशित किया गया, लेकिन फिर भी बुद्ध अपने मैत्री से ही रहे।
जय मंगल अठगाथा में कहा है, मैं तंबु से कविदिना जितवा मुनिंदो, सभी को बुद्ध ने मैत्री बल से जीता है। सो इस तरह से हम अपने इस गाथा को समझने की कोशिश करें। धम्मचारी का मतलब है मैत्री से व्यवहार रखना, मैत्री युक्त आचरण करना, सभी शीलों की जननी के तौर पर। तो यह धम्मचारी का होना है, और जो इस तरह से आचरण करेगा वह सुख से सोएगा, वह सुख से सोएगा तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि नींद लेना, 8 घंटे 7 घंटे नींद होना, यह आरोग्यपूर्ण जीवन जीने का एक उपाय है। और कभी कभी जिसकी नींद नहीं होती उसको बीपी होता है, बीपी की तकलीफ होती है, चेहरा अजीब सा दिखता है, आंखें लाल हो जाती है, अस्वस्थता बढ़ती है। ये सारी बातें, नींद कितनी आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए, और वो भी सुखपूर्वक नींद हो तो क्या कहना। और जब नींद नहीं आती है, परेशान होती है, तो आजकल नींद की गोलियां निकली, नींद के इंजेक्शन निकले। हम जब मानसिक दृष्टि से ग्रस्त होते हैं, साइकेट्रिक के तरफ जाते हैं, मानसोपचार के तरफ जाते हैं, तो क्या दवा देता है ज्यादा से ज्यादा? नींद की गोलियां। कि आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आए, आप बेहोशी में रहे, आप अजागृत अवस्था में रहे। नींद लेना ये अच्छे आरोग्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए निहायत जरूरी है। और नींद यदि पर्याप्त न हो तो दूसरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए धम्मचारी सुखंस्य, और उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है, जिसको सुख से नींद लेना है उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है धम्म का आचरण, मैत्री का आचरण, शीलों का पालन, यही सबसे बड़ी दवा है। इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। जो भी दवा है वह आपको बेहोश करने वाली दवा है, वो नींद का इंजेक्शन हो या नींद की गोलियां। लेकिन सबसे उत्तम दवा जो बुद्ध ने दी है धम्म का आचरण, उसका आचरण करें। सो धम्म आचरण करने से ही हम सुख से सोते हैं। यस, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अस्मी लोके परम मिंचा, इस लोक में भी और परलोक में भी। अब आप कहेंगे परलोक कहां से आ गया, हम तो हिंदू धर्म छोड़ दिए हैं, फिर ये परलोक कहां से आ गया? यस, बुद्ध धम्म 3 लोक मानता है, 2 लोक 3 लोक, नरक मतलब नरक लोक, मर्त्य लोक और स्वर्ग लोक, इस तरह से 3 लोक नहीं है बुद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म के बहुत सटीक लोक है। एक काम लोक है, जो काम जीवन में जीने वाले सभी सजीव, वह काम लोक है। फिर रूप लोक है, और फिर अरूप लोक है। सो बौद्ध धर्म का, बौद्ध विश्व जो है वो बहुत अलग है, बहुत बहुत अलग है। उसका काल्पनिक स्वर्गलोक से, काल्पनिक नरक लोक से कोई संबंध नहीं, वो वास्तविकता बताता है। यह वास्तविकता है, कामलोक की वास्तविकता है, रूपलोक की वास्तविकता है, और अरूपलोक की वास्तविकता है। और यह वास्तविक 3 लोक है, और इन 3 लोक में से आप किसी भी लोक में रहेंगे तो भी यदि आप धम्म का आचरण करने वाले हैं तो आप सुख से जिएंगे। खैर, अब ये 3 लोक का डिटेल विवेचन करने के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। इतनी ही जानकारी है कि बौद्ध विश्व में ये 3 लोक होते हैं। यदि आप, जैसा मैंने कहा, समाधि में हैं तो आप रूप लोक में हैं। आपके मन से पूरी तरह से 5 न्यूरॉन समाप्त हो गए, आप रूप ध्यान की पहली अवस्था में गए तो आप रूप लोक में पहुंच गए। उसके भी बाद यदि आप अरूप लोक के ध्यान में गए
तो आप अरूप लोक में पहुंच गए। बुद्ध शाक्यमुनि बनने के पहले जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने आलार कालान से 4 रूप ध्यान 3 अरूप ध्यान सीखे। उद्धक रामपुत्र से 4 रूप ध्यान 4 अरूप ध्यान सीखे। वह अरूप लोक और वो वास्तविक जगत है। वो भारतीय संस्कृति की देन है कि हमारे यहाँ बुद्ध धम्म के पहले ही इस तरह से ध्यानावस्था की समाधि में जीने वाले लोग हैं, जिनके पास से बुद्ध ने यह बातें शुरू में सीखी। तो यह रूप लोक और अरूप लोक है और इसको हम स्वीकारते हैं। तो यह वास्तविक स्थिति है कि हम समाधि की अवस्था में रहे तो हम रूप लोक में रहते हैं, उससे भी उच्च समाधि में है तो हम अरूप लोक में रहते हैं। तो हमारा ये सांसारिक काम लोक का जीवन समाप्त हो जाता है। तो यह जीने की स्थिति है। तो इस तरह से आप किस लोक में भी रहेंगे तो आप सुख से जिएंगे, यह या सुख से सोएंगे, ऐसे बुद्ध कहते हैं। सो धम्मचारी सुखं सेति, धम्मचारी सुख से सोता है, जहां कहीं भी रहे वह सुख से ही सोता है। इस लोक में हो या परलोक में हो, इसका मतलब हम इतना ही समझे, हम कहीं भी रहे, हम फर्श पे भी सोना चाहते हैं तो सुख से सोएंगे, अच्छे तरह से नींद आएगी। जरूरी नहीं हमें एयर कंडीशन रूम में और ऊंचे गद्दे पर सोने से ही हमें सुख से नींद आएगी। हम फर्श में भी सोते हैं तो सुख से सोते हैं, हम शिविरों में जाते हैं दरी पर भी सोते हैं, बड़ी अच्छी नींद लगती है, उसकी जरूरत नहीं कि गद्दे ही हो। तो यह बात है, जो धम्मचारी है वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, सुख से सोता है, क्योंकि वो निश्चिंत होता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती, अस्वस्थता की बात नहीं होती, तो वो निर्वैर होकर सुख से सोता है। तो ऐसा इस गाथा का अर्थ है, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। ऊपरी ऊपरी तौर पर बहुत सीधा साधा अर्थ है, अच्छे से धम्म का आचरण करो, दुराचरण मत करो। जो धम्म का आचरण करने वाला होता है वो सुख से सोता है, इस जग में भी और दूसरे जग में, बस ऐसा इसका अनुवाद है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भी मैंने कल और आज विवेचन किया ये कितना गहरा अर्थ है। और बाबा साहब ने 423 गाथाओं में से चुनकर हमारे सामने धम्म पालन गाथा के तौर पर क्यों ये 3 गाथा ही दी है, बुद्ध का शासन करके शील समाधि प्रज्ञा और धम्मचारी करके यह गाथा। तो हम कैसे धम्मचारी बने, आपके गले में केसा हो या न हो, केसा मिलता है बड़ी खुशी की बात है, आप केसा डालने के लिए प्रयासरत रहते हैं अत्यंत खुशी की बात है, और यदि किसी टेक्निकल कारणों के वजह से आपको केसा नहीं भी मिलता है फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप धम्म का आचरण करते रहिए, शील का पालन करते रहिए, ध्यान साधना करते रहिए, अपने प्रज्ञा का विकास करते रहिए, मैत्री भावना से सभी के साथ पेश आते रहिए, आप धम्म का आचरण कर रहे हैं, आप धम्मचारी। सो धम्मचारी शब्द को, उसके मूल अर्थ को जानते हुए धम्मचारी का प्रस्तुत कीजिए, धम्मचारी जीवन जिए, ना कि गले में केसा है और धम्म के आचरण से दूर है तो वह धम्म का धम्मचारी नहीं होता है। सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो धम्मचारी शब्द को इस केसा डालने से और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य होने से मर्यादित मत कीजिए। बुद्ध ने जिस अर्थ से इस धम्मचारी शब्द हमारे सामने प्रस्तुत किया उसके अर्थ को जानते हुए उसके अनुसार जीवन में उतारने की, उसके अनुसार जीवन जीने की भरसक कोशिश कीजिए। यह मेरा अनुरोध है या यह मेरी विनती है।
तो फिर हम तीसरी गाथा के तरफ जाते हैं और तीसरी गाथा है गाथा नंबर 259 और वग्ग है शायद 19 हाँ 19वां वग्ग है धम्मठ वग्ग, मतलब यह धम्म का अर्थ, इस अर्थ से धम्मठ, धम्म का अर्थ मूल रूप से। सो धम्मठ वग्ग के तौर पर इस वग्ग से यह गाथा ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने ये तीन गाथाएं किस तरह से इसका चुनाव किया है और हमारे सामने पेश की है धम्म पालन गाथा के तौर पर। पहली गाथा बुद्ध वग्ग से, दूसरी गाथा लोक वग्ग से, लोक में क्या प्रचारित है, लोक में क्या प्रचारित होना चाहिए, और तीसरी गाथा धम्म के अर्थ से कि धम्म का अर्थ क्या है धम्मठ वग्ग से। सो इस धम्मठ वग्ग में तीसरी गाथा है नतावता धम्म धरो यावता बहुभाषति। योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। तो यह गाथा जो है 6 चरणों की गाथा है। इसके पहले की जो दो गाथाएं हैं वो 4-4 चरणों की। तो अभी तक दो गाथाओं का जो हमने अभ्यास किया उसमें 4 चरण थे, लेकिन इस गाथा में 6 चरण है। नतावता धम्म धरो पहला चरण, नतावता धम्म धरो, न का मतलब नहीं, तावता जैसा वैसा, ऐसा इसका अर्थ होता है, तावता यावता जैसा वैसा, ऐसा अपन बोलते हैं ना, जैसा ये है वैसा वो है, ऐसा करने से वैसा नहीं होता है, उस तरह से इस शब्द को समझिए नतावता। सो नहीं होता, धर्मधर नहीं होता, ये पहले चरण का अर्थ है। धर्मधर का मतलब क्या है, धम्म को हमने समझे, धर का मतलब क्या है, पकड़ने वाला, धरने वाला, पकड़ने वाला, धारण करने वाला, पचेसिंग, एम्बॉडीमेंट, इंग्लिश में जो शब्द है पचेस, मैं धारण करता हूं, मेरा अस्तित्व वैसा बना है, मेरे अंदर वो मौजूद है। तो इस तरह से धारण, धर का मतलब होता है कि मैंने धर्म को पकड़ा है, मैं धम्म हूं, मेरे अंदर धम्म है। बुद्ध ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, धम्म पकाशति, मेरे अंदर से धम्म प्रकाशित होना चाहिए, मेरे अंदर से धम्म दिखना चाहिए। तो इस अर्थ से वह धम्मधर है। तो यह धम्म को धारण करने वाला, धम्म जीवन जीने वाला, इसके पहले धम्मचारी आया दूसरी गाथा में, यहां धर्मधर आया, जिसमें धर्म, जिसने धर्म को पकड़ा है, जिसके अंदर धर्म है, जो धर्म का चलता फिरता पुर्जा है, जो धर्म का स्वयं अस्तित्व है, जो जीता जागता धम्म है, वह धर्मधर है। सो यहां कहा वह धर्मधर नहीं होता, कैसा नहीं होता, बहुभाषी, नतावता धम्म धरो यावता बहुभाषति, जैसा वो बहुत बोलता है। भाषति का मतलब है भाष्य करना, भाष्य करने का मतलब है विस्तार से बोलना, विस्तार से वर्णन करना,
बहुत बताते रहना। बहु का मतलब बहुत, और भाष्य का मतलब वर्णन करना, विवेचन करना, स्पष्ट करना। तो बहुत स्पष्ट करता है, बहुत बोलता है, बहुत वर्णन करता है, इसलिए वो धर्मधर नहीं होता। सो ये हो गया पहले दो चरणों का अर्थ, न तावता धर्मधर, वह धर्मधर नहीं होता। यावता बहुभाषति, जो बहुत बोलता है, बहुत वर्णन करता है, बहुत भाष्य करता है, इसलिए धर्मधर नहीं होता। न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति। योच अपम्पी सुत्वानम्, योच, यो मतलब मूलतः, मूलतः अपम्पी थोड़ा सा, अपम्पी का मतलब थोड़ा सा, सुत्वानं सुनना, सुत का मतलब होता है सुनना, उसने थोड़ा सा ही सुना है, मूलतः थोड़ा सा ही सुना है। योच अपम्पी सुत्वानं, धम्म को मूल रूप में थोड़ा सा ही सुना है उसने। योच अपम्पी सुत्वानं, इसका अर्थ मूल रूप से थोड़ा सा ही सुना है। फिर योच अपम्पी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, धम्मं धम्म को कायेन पश्यति, कायेन मतलब शरीर से, काया ये शरीर है, कायेन पश्यति, पश्यति का मतलब देखना। अब हम काया से तो देखते नहीं, काया से स्पर्श करते हैं, ये जो शरीर है, ये जो काया है, काया स्पर्श की बात है, आंख से देखते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है, बुद्ध ने क्या कहा है, कायेन पश्यति, जो काया से देखता है, इसका मतलब है अनुभव करता है। जब भी मैं किसको देखता हूं तो देखने से ही पूरा अनुभव होता है। कायेन पश्यति का मतलब है संपूर्ण अनुभव करना। सपोज मैंने आपको किसी चीज का वर्णन किया, अब आप में से कोई लोग जो है जिन्होंने ऐसा समझिए कि हिमालय के बर्फीले शिखर नहीं देखे होंगे, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने चमकीले दिखते हैं, कितने सफेद दिखते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना मन मोहित हो जाता है। तो मैं यदि आपको वर्णन करूं कि हिमालय का वो शिखर जो है वो इतना सुंदर दिखता है, इतना अच्छा दिखता है, तरह तरह से मैंने वर्णन कर लिया, आपने सुन लिया, तो आप क्या करेंगे, मेरा सुनकर आप अपने कल्पना से उसको अपने मन में लाने की कोशिश करेंगे। सुनने से आपको अनुभव आया कि हाँ बहुत ऊंचे होते हैं, सफेद होते हैं, आपको सफेद रंग का पता है, तो सफेद कैसा होता है, तो आपके सामने एक सफेद का एक चित्र आ जाएगा, हाँ ऐसा सफेद होता है, इतना विशाल होता है, इतना ऊंचा होता है, ऐसा दिखता है। आप तरह तरह की कल्पना मात्र से उसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप हिमालय के नजदीक गए, हिमालय में गए, और क्षण भर के लिए आप अपनी आंखों से देख लिए, फिर क्या होगा, आपका संपूर्ण अनुभव होगा। जो आप देखेंगे वो आपका संपूर्ण अनुभव होगा, वो आपके काया ने अनुभव किया। कल्पना से चित्रित करना, कल्पना से अनुभव करना वो अलग बात है, और प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव करना वो अलग बात है। यही है, यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। सो प्रत्यक्ष अनुभव होने से जब उसने देख लिया, वाह क्या बात है, क्या चीज है, आकर्षित हो गए,
फिर से बार बार देखने की इच्छा हो गई, फिर से वो अनुभव लेने की इच्छा हो गई, वो शिखर देखने की, वो सौंदर्य देखने की, उससे मोहित होने की, वो हमारी इच्छा रही। जिन्होंने भी हिमालय का वर्णन सुना होगा और वर्णन सुनने के बाद जिन्होंने भी हिमालय को देखा होगा, उनकी अलग बातें होती हैं। तो आप भी देखिए, तो यह होता है कायेन पश्यति, मतलब संपूर्ण अनुभव करना। अब मैंने हिमालय का ढेर सारा वर्णन किया, आपने पूरी किताब पढ़ ली, तो आपको क्या अनुभव आया? आप किसी के पास बताते वक्त वही अनुभव बताएंगे जो आपने किताबों में पढ़ा है, आपका यदि अनुभव नहीं है तो वही बताएंगे। लेकिन आपने अपने आंखों से स्वयं अनुभव कर लिया तो आपका बताने का तरीका, आपकी बताने की स्थिति, वो कुछ अलग होगी, वो कुछ दायरा अलग होगा, वो आप कुछ आपकी अनुभूति अलग होगी, ये फर्क होता है। सो कायेन पश्यति का ये मतलब है कि मैं कितना भी ध्यान के बारे में विशुद्धि मग्गो को पढ़ लूं, लेकिन जब मैं आसन ठोककर कुष्मन पर बैठकर आंखें मूंदकर शरीर को सीधा रखते हुए बैठता हूं और जब मैं अनुभव करता हूं, तब मुझे पता चलता है ध्यान क्या चीज है, ध्यान का क्या अनुभव है। वो मेरा कायेन पश्यति होता है। भले ही मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो मेरा अनुभव नहीं है, तो कायेन पश्यति का ये सही अनुभव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कायेन पश्यति। और फिर अंत में क्या कहते हैं, ये हो गए चार चरण, और चौथा चरण है नतावता धम्म धरो यावता बहुभासति यो चपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्म धरो होति। वह धम्मधर होता है जो काय से देखता है, जो काय से अनुभव करता है, जिसको थोड़ा सा ही सुनकर धम्म का अनुभव आया है, वही सही में धर्मधर है। उसी ने धर्म को पकड़ा है, उसी के पास धर्म है, वही धर्म का अनुभव करने वाला है, वही धर्म को जीने वाला है, वही धर्मधर है। धम्मं न पमज्जति, वह धम्म को जब ऐसा देख लेता है, जब उसका ऐसा अनुभव होता है, तो धम्मं न पमज्जति, मतलब धम्म का दुर्लक्षित नहीं करता, फिर वो धम्म को धम्म के तरफ नजरअंदाज नहीं करता, धम्म के प्रति अजागृत नहीं होता। यह धम्मं न पमज्जति, यह इन छह चरणों का अर्थ है। अब मैं यह गाथा किस तरह से हमारे पास आई और बुद्ध ने इस गाथा को क्यों कहा, यह आपको नहीं बताया, तो वह मैं आपको बता देता हूं और फिर इस बारे में इस गाथा को और कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मात्रा में मैंने आपके सामने इस गाथा का अर्थ बताया, अब ये गाथा प्रस्तुत कैसे हुई, बुद्ध ने इस गाथा को कैसे कहा और क्यों कहा, हम उस कहानी को भी सुन लेते हैं। सो बुद्ध श्रावस्ती में थे और श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते वक्त कुछ भिक्षु जो हैं उनके पास तकरार लेकर आए कि हम यहां यहां गए थे। सो कहानी ऐसी है कि जेतवन के नजदीक ही कोई एक ऐसा सुंदर सा या छोटा सा जंगल नुमा समझिए, या एक घनदाट वृक्षों का जमघट समझिए, या एक अच्छी सी झाड़ी समझिए, तो ऐसा एक बहुत बड़ा जंगल नहीं, लेकिन अच्छे मायने में एक जंगल ही समझिए, ऐसा ऐसे वो स्थिति में था। तो वहां एक भिक्कु रहता था, उसका नाम था एकुदान।
अब इसका नाम ही है एक उदान, तो वो उसको एक ही उदान याद था, मतलब एक ही गाथा याद थी, एक उदान, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था एक उदान। तो उसको एक ही गाथा याद थी और उस एक ही गाथा को वो अच्छी तरह से जीता था, उस पर अच्छी तरह से भाष्य करता था, वो गाथा पूरी तरह से उसको समझ में आ गई थी और इसलिए वो एक ही गाथा को लेकर जीने वाला एक उदान नाम का भिक्खु था, वो उस जंगल में रहता था। और उपोषत के दिन वहां उस भिक्खु के इर्द गिर्द जो भी लोग जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन जो भी लोग जाते थे उन लोगों को वो एक ही गाथा सुनाता था, उसका अर्थ बताता था, तरह तरह से अपने अनुभवों से लोगों को वह धम्म देशना देता था और उसकी धम्म देशना सुनकर उस जंगल के अधीन जो जंगल के देवता थे, ऐसा कहा गया है पाली साहित्य में कि वह जंगल के गार्डियन जो देवता थे, उस जंगल के रक्षक देवता जो थे, वो रक्षक देवता भी उस भिक्खु का वो प्रवचन सुनते थे। और जब उसका प्रवचन समाप्त हो जाता था तो बहुत वो देवता गण जो है वो जोर से साधुकार करते थे और पुण्यानुमोदन करते थे और बहुत अच्छी तरह से साधुवाद देकर अपनी कृतज्ञता उस भिक्खु के, एक उदान भिक्खु के प्रति व्यक्त करते थे। एक उपोषत के दिन क्या हो गया कि दो बहुत विद्वान भिक्खु, जिनको ढेर सारा धम्म पता है, जिन्होंने ढेर सारा बुद्ध से सुना है, बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं सारी उनको मुखोद्गत है और सारा उसका विश्लेषण भी जानता है, अर्थ व्यंजन से सारी बातें जानते हैं, ऐसे वो दो भिक्खु अपने अन्य भिक्खु संघ के साथ उस जंगल में चले गए। तो ये कुदान भी बड़ा खुश हो गए कि आज उपोषत है, ये लोग भी आए हैं, तो उसने कहा कि आज उपोषत का दिन है तो अच्छा होगा कि तुम विद्वान भिक्खु हो, तो तुम विद्वान भिक्खु जो है वो अभी धम्म की देशना कीजिए। तो इन विद्वान भिक्खुओं ने वो पूछा कि क्या कोई इस जंगल में सुनने वाला भी है, उस एकुदान भिक्खु को पूछने लगे। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ लोग आते हैं, तो उनको आप इस उपोषत के दिन धम्म देशना दीजिए और यहाँ जो है यहाँ इस जंगल के रक्षक देवता भी उपस्थित रहते हैं तो वो भी आपका धम्म प्रवचन सुनेंगे। तो उस एकुदान भिक्खु ने बहुत आग्रह किया उस दोनों भिक्खुओं को जो विद्वान भिक्खु थे, तो उन्होंने मान लिया कि ओके हम आपको सुनाते हैं तो हम धम्म देशना दे देंगे। तो फिर वह इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर जितने भी लोग आए तो उस उपोषत के दिन इन दो भिक्खुओं ने, जो विद्वान भिक्खु थे, इन विद्वान भिक्खुओं ने अपनी धर्म देशना दी, तरह तरह से धर्म उन्होंने प्रस्तुत किया। तो जो भी सुनने वाले थे और जो भी देवतागण थे उन्होंने कोई प्रतिसाद नहीं दिया, कोई साधुवाद नहीं किया, कोई पुण्यानुमोदन नहीं किया। तो वो दोनों जो भिक्खु है वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने एकुदान को कहा कि देखो आपने तो कहा था कि यहाँ ढेर सारे गार्डियन देवता है, इस जंगल के रक्षक देवता है, वो इकट्ठा होते हैं, वो बड़ा साधुवाद करते हैं और लोग भी आते हैं, लेकिन हमने इतना अच्छा प्रवचन दिया, दोनों ने कोई साधुवाद नहीं हुआ। तो उन दोनों भिक्खुओं ने एकुदान भिक्खु पर आरोप किया कि तुम झूठ बोलते हो, यहां कोई देवता वेवता नहीं है, यहां कोई सुनता नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो।
तो येकुदान कहने लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा उपोषत के दिन प्रवचन देता हूँ और बड़े अच्छी तरह से लोग उसको प्रतिसाद देते हैं और साधुवाद करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ऐसी बात है क्या, तो फिर आप दो अभी प्रवचन, अभी उपोषत समाप्त नहीं हुआ है, अभी दिन समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमारा दोनों का प्रवचन समाप्त हुआ, अभी आप दो, हम देखते हैं देवता प्रतिसाद देते हैं या नहीं देते। तो फिर एकुदान ने स्वीकार किया और एकुदान ने फिर अपना धम्म प्रवचन शुरू किया, जैसा हमेशा का धम्म प्रवचन देते थे। उनको एक ही गाथा पता थी, एक ही गाथा का अर्थ जानते थे, वही गाथा वो जीवन जीते थे, उसी गाथा के तहत वो जीते थे, उनका अपना अनुभव था, उसके तहत उन्होंने वो एक ही गाथा को लेकर अपना प्रवचन शुरू किया और अपना प्रवचन उसी गाथा के तौर पर तरह तरह से जैसा भी उनको आता था वह उन्होंने प्रदर्शित किया धम्म को। और धम्म को प्रकाशित करते हुए, धम्म को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया। जब उन्होंने प्रवचन समाप्त किया एकुदाना ने, तो सारे गार्डियन देवता साधुवाद करने लगे, जोर जोर से उसका पुण्यानुमोदन करने लगे और बहुत खुश हो गए। तो फिर ये दोनों भिक्कु और उनके साथ जो भिक्कु थे उन्होंने कहा कि ये पक्षपात है, जो आप रहते हैं तो आपका पुण्यानुमोदन किया लेकिन हमारे भिक्कु का पुण्यानुमोदन नहीं किया, ये पक्षपाती है। तो जब वो फिर जेतवन में आए, तो जेतवन में जब बुद्ध से मिले तो बुद्ध के पास उन्होंने ये तकरार की कि हम यहां यहां गए, इस तरह से प्रवचन दिया लेकिन हमारा कोई पुण्यानुमोदन नहीं हुआ, और वहां के देवता जो है वह देवता बड़े पक्षपाती है और वो केवल एकुदान का ही पुण्यानुमोदन करते हैं, हमारा कोई पुण्यानुमोदन नहीं किया। उस वक्त बुद्ध ने यह गाथा कही, नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। यह गाथा बुद्ध ने उनको जवाब में दी, जो बुद्ध के पास एकुदाना की और उसका पुण्यानुमोदन करने वाले देवताओं की जो तकरार कर रहे थे, जो भिक्कुगण ढेर सारे भिक्कु वो दो विद्वान भिक्कुओं के साथ गए थे, उन भिक्कु संघ ने जो बुद्ध के पास तकरार की थी, तकरार के जवाब में बुद्ध ने ये गाथा कही। तो इसका मतलब यह है कि फिर हम बाबा साहब के तरफ आते हैं, आपको पूरा अभिधम्म पता है, आपको पूरा सुत्त पिटक पाठ है, कोई फायदा नहीं, लेकिन आप आचरण नहीं करते, इसलिए फिर से मैं बाबा साहब के तरफ आता हूं। बाबा साहब ने केवल 22 प्रतिज्ञा दी, मूल में है यो च पंपी सुत्वानं, केवल 22 प्रतिज्ञा है, संपूर्ण पाली साहित्य से चुनकर बाबा साहब ने केवल 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा मूलतः याद रखो और 22 प्रतिज्ञा के अनुसार कायेन पश्यति, 22 प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण करो तो हम धर्मधर हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा प्रवचन देना आता है, हम बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमने PhD हासिल की है, हम बुद्धिज्म में PhD है, हमने ढेर सारी किताबें लिखी है, हमारा बड़ा नाम है, बेकार की बात है, धर्मधर नहीं है। धर्मधर वही है जो 22 प्रतिज्ञा मूल रूप से जानता है, 22 प्रतिज्ञा को धारण करता है,
22 प्रतिज्ञा को काय से देखता है, 22 प्रतिज्ञा को काय से अनुभवता है, वही धर्मधर है, अन्यथा दूसरा धर्मधर नहीं है। तो यह बुद्ध के इस कहानी से और बाबा साहब के इस संक्षिप्त में मूल रूप से दिए हुए धम्म में हम अपने आप को देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जो दिया वो मूलतः कैसा धर्म दिया है, 22 प्रतिज्ञाएं हमारा कैसा धर्म है और उसी का आचरण करने से हम कैसे होते। जैसा मैंने कहा सद्धम्म, सद्धम्म में बाबा साहब कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान के तहत भेदभाव से पेश ना आए, सभी इंसान इंसानों के बीच के तमाम दीवारों को गिरा देना है और समता प्रस्थापित करना है। 22 प्रतिज्ञा में 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा दी है, मैं समता मानता हूं, और दूसरी प्रतिज्ञा है मैं समता स्थापन करने का प्रयास करता हूं, समता मानता हूं ये तत्व है और समानता प्रस्थापित करता हूं ये आचरण है। तो इस तरह से बाबा साहब ने समता को और समता के तहत व्यवहार करने को सद्धम्म कहा है, सुचरितम है, समता के तहत व्यवहार करना, समानता के तहत व्यवहार करना। 22 प्रतिज्ञा को समझिए, बाबा साहब ने जो मूल रूप में धर्म दिया है उसको समझिए, उसको काय से देखिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए तो हम धर्मधर बनेंगे। और इसलिए इसको पठन करते वक्त भी गलत तरीके से पठन न कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको पठन कीजिए, क्योंकि इसको मैं नागलोक में भी बताते बताते थक गया लेकिन ठीक से पठन नहीं हो पाया। देखिए किस तरह से पठन करना है, नतावता धम्म धरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्म धरो होति यो धम्मं नपमच्यति। होति यो जोड़ो मत उसको, दोनों चरण अलग है। सवे धम्म धरो होति, यहां फुल स्टॉप, चरण समाप्त है। यो धम्मं नपमच्यति छठा चरण है, तो इसलिए उसको अलग अलग कहिए और अलग अलग तरीके से कहिए, अर्थ को गड़बड़ मत कीजिए। यो धम्मं नपमच्यति, यो फिर मूलता है, मूलतः धम्म का मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, धम्म को दुर्लक्षित नहीं करूंगा, मूल रूप में धर्म को दुर्लक्षित नहीं करूंगा, मूल धर्म को दुर्लक्षित नहीं करूंगा, मूल धर्म के प्रति अप्रमाद नहीं रहूंगा, मूल धर्म का मैं जागरूकता से पालन करूंगा, ये उसका मतलब है। तो प्लीज पठन भी ठीक से कीजिए और इस तरह से इस गाथा को समझने की कोशिश कीजिए। सो इस तरह से यह गाथा का अर्थ आप ध्यान में लीजिए कि धर्मधर का मतलब है कि धर्मधर वही जो धर्म को धारण करता है, जिसके अंदर धर्म है, और बहुत से नहीं तो बहुत संक्षिप्त में आप इस बात को देखिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। यह तीन गाथा 423 गाथाओं में से केवल तीन गाथा हमें धम्म पालन के तौर पर दी है, और तीन गाथाओं के तौर पर उन्होंने कितने सटीक तौर पर हमें धम्म का आचरण करने के लिए कहा, और यह तीन गाथा हम हमेशा कौन सा भी कार्यक्रम हो धम्म के उस कार्यक्रम के अंत में जरूर कहते। इसका मतलब है हम
इस मूल रूप से धर्मधर बनने की कोशिश करते हैं, धर्म को धारण करने की कोशिश करते हैं, धर्म को हर समय प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं, धम्म के अनुसार ही जीने की कोशिश करते हैं, ये उसका मतलब है। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे। गलती हो गई इसलिए छोड़ नहीं देना है, गलती हो गई सुधारना है और फिर से प्रयास करना है कि फिर से वो गलती ना हो और हम अच्छी तरह से धर्मधर बने। सो बाबा साहब ने हर एक को धर्मधर होने के लिए उपदेशित किया। हम हर एक बाबा साहब का अनुयायी धर्मधर बने। तो इन तीन गाथाओं का क्रम भी देखिए, पहले बुद्ध की शिक्षा, कि बुद्ध के शिक्षा के अनुसार प्रशिक्षित होने की कोशिश कीजिए, शील पालन कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, प्रज्ञा का विकास कीजिए, इस तरह से स्वयं को प्रशिक्षित कीजिए। ये पहली धम्म पालन गाथा। दूसरे धम्म पालन गाथा में धम्म को अच्छे से आचरण कीजिए, सुचरित तब धम्म का आचरण कीजिए, मैत्री का आचरण कीजिए, प्रज्ञा को विकसित कीजिए, समता का आचरण रखिए, समता भाव रखिए, सबसे समानता से पेश आइए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई इस जात का नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सभी के साथ समानता का व्यवहार। कितनी बड़ी शिक्षा है। बाबा साहब ने सब धम्म को ये उजागर किया। यह हमारी दूसरी गाथा कि हमें प्रशिक्षित होना है धम्म में, बुद्ध के शिक्षा में प्रशिक्षित होना है, पहली गाथा है। दूसरी गाथा में हमें सद्धम्म का आचरण करना, और तीसरी गाथा में सद्धम्म का आचरण करते हुए हमें धर्मधर होना है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा उसी के लिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करूंगा, मैं 10 पद पारमिताओं का आचरण करूंगा। 10 पारमिता सद्गुणों के तौर पर दी है, अष्टांग मार्ग धर्म के आचरण के तौर पर दिया है, समानता का पालन सद्धर्म के तौर पर। सो बाबा साहब ने मूल रूप से हमें धर्मधर बनने के लिए दिया है। तो इस तीन धम्म पद के तहत बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमें एक प्रकार का आदेश दिया है, एक प्रकार का शासन दिया है। ये बाबा साहब का शासन है कि आप धर्मधर बनिए, धर्मधर बनने के लिए प्रयासरत रहिए और धर्मधर बनकर उनके सच्चे अनुयायी के तौर पर आगे आइए। बस, तो मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद।